आटों की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी रास्ता है धूल का धड़कन बिखर जाए ना आंखें ये भर आए ना सांसों में तू भर ले दम ना हौसला हारेंगे हम ना हौसला हारेंगे प्रियंका चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ आफ्टर सेपरेशन उन्होंने कोई सेटलमेंट की बात की भी या नहीं? मुझे टाइम लगेगा तुम्हें जल्दी है तो तुम चले जाओ वैसे भी हम कल से मिल ही रहे हैं। अब यहाँ कहाँ रहती थी आप? इतना ढूंढा मैंने तो पैर दर्द करने लग गए। कहाँ गया था तू? मना किया था ना तुझे बाहर जाने के लिए? समझ में नहीं आता तुझे? मैंने जैन से सच्चा प्यार किया था और शादी भी बिना किसी स्वार्थ की थी। तो फिर हम पहले आपकी प्रेम कहानी सुन लेते हैं। क्या पैसा कभी भी किसी रिश्ते की बुनियाद हो सकता है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि रिश्ते प्यार और खुलूस की तर्ज पर बनाए जाते हैं ना कि पैसों की शर्त पर। एक लड़की अपने घर वालों को अपने होने वाले सास ससुर के सामने बेबस देखकर करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन समाज के डर की वजह से और अपने घर वालों के दबाव की वजह से उसकी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। लेकिन हमारी कहानी की नायिका प्रियंका और लड़कियों से कुछ अलग है। लेकिन एक सच ये भी है तो वो एक लड़की ही। नमस्कार मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ जयंत और प्रियंका के रिश्तों की पड़ताल के साथ। वाह आपकी प्रेम कहानी तो बहुत अच्छी है पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई जरा उस पर प्रकाश डालिएगा। आपके सास ससुर दहेज पर अड़ गए थे और जिससे आपने प्यार किया आपके मुताबिक उस क्रिटिकल सिचुएशन में वो एक शब्द नहीं कह पाया मतलब जोड़ घटाव करके अगर देखें तो आपके ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो आपको अपनाना चाहता हो फिर भी आप आज की तारीख तक जयंत की बीवी हैं। फिर शादी हुई कैसे? माय लॉर्ड ये केस तो किस तरह उलझाया जा रहा है? वकील साहिबा आपने कभी होम्योपैथी इलाज करवाया है? पर इसका मेरे मुवक्किल के केस से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है वकील साहिबा होम्योपैथी डॉक्टर और वकील दोनों ही एक जैसे होते हैं पहले जड़ तक जाते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि आगे क्या और कैसे करना है। हाँ तो प्रियंका जी आप बताइए फिर क्या हुआ? शादी से पहले तो बड़ा ध्यान था मेरा अब पिछले 4 दिन से कह रहा हूँ कि मेरा बटन लगा दो वो नहीं लगा पा रही हूँ। अरे बाबा तुम जानते हो ना मुझे घर के कितने सारे काम होते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा चलो अभी नाराज मत हो अभी लगा देती हूँ लाओ। तुम भी ना वैसे स्मार्ट लग रहे हो। वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ तभी तो कॉलेज के पहले दिन से ही तुम मुझ पर मर मिटी थी। मरती तो अभी भी हूँ परफेक्ट हो तुम मेरे लिए परफेक्ट है मेरा ससुराल माँ बाप जैसे सास ससुर और इतना प्यार करने वाला पति। मैंने मम्मी पापा को कितना कुछ बोल दिया ना लेकिन एक पल में उन्होंने मुझे माफ कर दिया और हाँ बहू की जैसे नहीं मुझे बेटी के जैसे रखते हैं भगवान करे हर जन्म में मुझे आपके जैसा प्यार करने वाला पति और माँ बाप जैसे सास ससुर हर जन्म में मुझे मिले। लीजिए आपका हो गया। थैंक यू अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था आज मुझे HR का कॉल आया था मुझे बोला 1-2 दिन में आपको आना है इंटरव्यू के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ओके जी जी तेरो बेटा जी तेरो बेटा। अरे भाभी
भैया के पैर नीचे होगी क्या? पति तो साथ के लिए होता है, बड़ा या छोटा नहीं। वाह क्या बात है, सही ख्याल है आपके। वैसे कहीं जा रही हैं क्या आप? जी हाँ, आज मेरा इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही हूँ। पापा जी, मम्मी जी, शाम को आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इंटरव्यू है किस चीज का? टेक्नो मॉडल कंपनी है ना पापा जी, उसी के एचआर से मिलने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सब डन है, सिर्फ ज्वाइन करने की फॉर्मेलिटीज बाकी है। अच्छा, कितने पैसे देंगे वो? कम से कम मम्मी जी 7 या 8 लाख। वाओ क्या बात है भाभी, भैया से भी ज्यादा सैलरी। क्या भाभी आई है, वाह। और वैसे भी देखा मम्मी पापा, आजकल तो बंदों से ज्यादा जमाना बंदियों का होता है। सही है भाभी, सही है। अच्छा है, 8 लाख बहुत बढ़िया। बाप 3 महीने में 3 लाख तो दे नहीं पाया, और ये 1 साल में 8 लाख रुपए देगी। कोई जरूरत नहीं है 8 लाख के लिए दफ्तर दफ्तर घूमने की। 3 लाख? अरे कुछ नहीं, तुम अंदर चलो, मॉम कुछ भी बोलते हैं उनका। नहीं मुझे अंदर नहीं जाना। अभी कुछ भी बोलती है। मम्मी जी कौन से 3 लाख की बात कर रही है? अरे तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे अंदर चलो ना। अब कभी ना कभी तो बोलूंगी ना। अरे मम्मी क्यों गुस्सा कर रही हो, कूल डाउन ना, गुस्सा शांत रखो, नाश्ता करो। सजा दजा बैल और पढ़ी लिखी लड़की किसी काम के नहीं होते हैं। हमें कानून सिखाने चली, अब मैंने उसके लिए इस घर को जेल ना बना दिया तो मुझे कहना। अरे कोई बात नहीं है, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। मम्मी जी ये कौन से 3 लाख की बात कर रही थी? अरे वो तो कुछ भी बोलती हैं, कसम से कोई बात नहीं है। लेकिन तुमने पहले ही डिसाइड किया था ना कि मेरे जॉब करने से तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, तो फिर तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? देखो कुछ दिन मॉम डैड की बात मान लो, मैं वादा करता हूँ उसके बाद जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही होगा। प्लीज बस कुछ दिनों की बात है, अपने पति की इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती तुम। ये छोटी सी बात नहीं है जैन, एक लड़की के विश्वास और उसके करियर की बात है, तुम नहीं समझोगे। अरे भाई भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। हमारी तो किस्मत ही खराब निकली, ना तो ढंग से काम करने वाली बहू मिली है और ना ही दहेज। आई पिताजी, बस 5 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। कह तो रही हूँ पापा जी, एक बार मुझे जॉब करने दीजिए, दहेज के सारे पैसे लौटा दूंगी। रोज रोज गोभी की सब्जी ही तो बनाएगी, माँ ने कुछ और सिखाया है तुझे? नहीं मम्मी जी, रोज रोज कहाँ बनाती हूँ, 15 दिन पहले बनाई थी सब्जी। अच्छा, अलादीन का चिराग और बेटा दोनों एक जैसे, एक से जिन दूसरे से दहेज। लगता है दिल्ली शहर में घर बनवाने के लिए दहेज के पैसे ही चाहिए। घर से पर्दे से लेकर घर का सारा सामान खरीदने के लिए दहेज का ही पैसा चाहिए। जयंत अपनी बीवी को समझा ले, क्या क्या बोल रही है। किससे बात कर रही हैं आप मम्मी जी? वो मेरे खरीदे हुए हैं, आपकी बात क्यों मानेंगे, है ना जयंत?
प्रियंका तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैं हद से ज्यादा बोल रही हूँ क्यों? दिख नहीं रहा 12 लाख रुपए लेकर 3 लाख के लिए रोज रोज मेरे सामने भिखारियों के जैसे खड़े हो जाते हैं और मेरे मम्मी पापा को फोन करके पैसे मांगते रहते हैं। समझ में नहीं आता। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो प्रियंका। मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ जयंत? अगर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी ना तो तुम बचोगे नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरे मम्मी पापा को फोन करके पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। शहर की पढ़ी लिखी संभावनाओं से भरी हुई लड़की प्रियंका अचानक टिपिकल बहू बनकर रह जाती है। ये भी हमारे देश में एक चिंता का विषय है कि 12वीं की क्लास तक अव्वल आने वाली लड़कियां अचानक उच्च शिक्षाओं में कहां नदारद हो जाती हैं। और कुछ गिनी चुनी लड़कियां जो प्रियंका की तरह कुछ बन पाती हैं, वो भी शादी होने के बाद चौके चूल्हे को व्यवस्थित करने में अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं। प्रियंका भी धीरे धीरे एक टिपिकल बहू बन गई थी। सुबह से शाम तक खाना बनाने वाली, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली और देर रात तक अपने पति का इंतजार करने वाली। प्रियंका, क्या है ये सब? आराम से बोलो, रितेश भी आया। रितेश आया ब्रो। नमस्ते भाभी। अरे बैग यार, जाओ चकना लेकर आओ, आज महफिल यहीं जमेगी। ये सब तमाशा क्यों बना रहे हो? तुम्हें जितना कहा गया है ना उतना ही करा करो। अरे जैन, मेरे दोस्त के सामने तू मेरी औकात दिखा रही? अरे भाभी है यार, कैसे बात कर रहा है तू? भाभी जी आप मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। अरे रुक, बैठ बैठ बैठ। बीवी जी प्लीज ले आइए। यार रहते, यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस लड़की से प्यार किया उसी से शादी की, और कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तेरी बीवी, फैंटसी कम्स ट्रू। एक बात बताऊं रितेश, राज की लड़कियां हॉट, हैपनिंग, ब्यूटीफुल, ये सब शादी से पहले होती, शादी के बाद हर औरत एक जैसी हो जाती, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, वेजिटेबल्स विदाउट सॉल्ट। मतलब? हाँ हाँ समझ गया। क्या मुंह बनाकर बैठी हो? बैठी हो तो सर्व भी कर दो। जाने दो, बहुत रात हो गई है, जाइए भाभी जाइए। अरे नहीं यार, अपने पति के बिना थोड़ी ना सोएगी। क्यों बेगम साहिबा, इतना प्यार तो करती हो ना मुझसे? यार एक बात तो माननी पड़ेगी तेरी, अपने बैच की सबसे सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की प्रियंका भाभी ही थी। तेरी किस्मत अच्छी है लाले। सही बोल रहा, किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है। एक पढ़ी लिखी लड़की रात के 1 बजे मुझे चखना सर्व कर रही है, इससे ज्यादा इसकी काबिलियत और डिग्री कहाँ यूज हो सकती थी। भाई तू सो जा, तुझे चढ़ गई है। हा? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं चढ़ती। ऐसी बीवी हो ना तो कोई दारू नहीं चढ़ती। ये रोज ना मुझे मेरी औकात दिखा, देख देख अभी इसका सर फिर गया ना तो मुझे मेरी औकात दिखा देगी। अगर ये मुझसे प्यार करती है ना तो ये पूरी बोतल पी के दिखाएगी मुझे आज। ये कौन सी बात हो गई यार? पियो प्रियंका। मैं नहीं पीऊंगी। प्रियंका तुम्हें पीना पड़ेगा। हटाओ मेरे सामने से, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना।
ये रोज ना मुझे मेरी औकात दिखा, देख देख अभी इसका सर फिर गया ना तो मुझे मेरी औकात दिखा देगी। पति होकर भी ना मैं इसके सामने कुछ नहीं है ना प्रियंका, घूर क्या रही, निकल जाएगी मुझे, खा जा। कम ऑन यार, दिस इज डिस्गस्टिंग। अरे तुम इनसे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करती है, और दोनों के बीच में कोई गलत फहमी, तू उसे सॉर्ट आउट करो ना, ऐसा करने से कैसे चलेगा? नहीं रितेश, ये मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मुझ पे रूल करना चाहती है, रूल। की बातें कर रहा है, हैं? प्यार नहीं करती तो ऐसे ही शादी कर ली तुमसे। अगर ये मुझसे प्यार करती है ना तो ये पूरी बोतल पी के दिखाएगी मुझे आज। अब ये कौन सी बात हो गई यार, हा? तू पागल हो गया है? पियो प्रियंका। तुम जानते हो कि मैं नहीं पीती। अपने प्यार को साबित करने के लिए तो पी सकती हो ना। भूले जा रहा है ये। मैं नहीं पीऊंगी प्रियंका, तुम्हें पीना पड़ेगा। हटाओ मेरे सामने से, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। पागल हो गई हो? नहीं जाया, मैं खुद को मार कर नहीं जी सकती। तुम्हारी पत्नी बनते बनते, इस घर की बहू बनते बनते मैं खुद को भूल चुकी हूँ। यही सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए तुम मायके हुआ हो, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और कुछ ताकी भी आ जाएगी। जयंत बेटा, जरा प्रियंका को स्टेशन तक तो छोड़कर आओ। जा रही हो? समधी समधन को मेरा नमस्कार बोलना, और हाँ उनका वादा भी उनको याद दिला देना। समय पर वादा पूरा ना हो तो रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे वो खुद बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है मम्मी जी, जब रिश्ता ही नहीं रहा
वादा कैसा? What do you mean? यही कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पागल हो गई हो? नहीं जाया, मैं खुद को मार कर नहीं जी सकती। तुम्हारी पत्नी बनते बनते, इस घर की बहू बनते बनते मैं खुद को भूल चुकी हूँ। पति पत्नी का रिश्ता साथ निभाने के लिए होता है, ना कि नशे में अपने पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घसीटने के लिए। प्रियंका, वो तो कल रात को मैं नशे में था इसलिए। बात कल रात की नहीं है सिर्फ, अब तो ये रोज होगा, बार बार होगा। इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल जाएं, हमें अलग हो जाना चाहिए। लॉर्ड, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे रिश्ते की जरूरत ना हो। बहुत दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब भर के रिश्ते कोर्ट तक आ जाते हैं। जीतता रिश्ता है और हारता भी रिश्ता है। मैं एक वकील होने के नाते अपने मुवक्किल के लिए यहाँ से न्याय ले भी जाऊँ, पर एक औरत होने के नाते जब एक घर का रिश्ता कोर्ट तक आता है तो हार औरत की ही होती है। पर इनकी कहानी बनावटी भी तो हो सकती है। और फिर अचानक से 5 साल बाद इनको कैसे याद आया कि इनके साथ गलत हुआ है? हो सकता है इनकी कहानी का कोई दूसरा पक्ष भी हो, ये भी गलत हो सकती है। और फिर जब इन्हें इस बात का प्राउड है, एक पढ़ी लिखी सक्षम महिला है, तो फिर अपने ससुराल वालों की जायदाद का आधा हिस्सा क्यों? चौटाला साहब, आप कानून की लकीर खींचकर एक बच्चे को उसके बाप के नाम से दूर नहीं रख सकते। एक जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने बाप को पिता कहने के बजाय जयंत भाटिया कहेगा, और जयंत जी भी अपने बेटे को कभी भुला नहीं पाएंगे। जब प्यार है, अधिकार है, तो जिम्मेवारियां तो बनती है ना। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि जयंत भाटिया और उसके परिवार को दहेज मांगने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, और प्रियंका को उसका हक। That's all, my lord. अक्सर कहा जाता है कि लड़की के ससुराल से उसकी अर्थी उठनी चाहिए, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, उसे हर परिस्थिति से समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन अपने पति का घर और अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश की ज्यादातर माएं अपनी बेटियों को यही शिक्षा देती हैं, और शायद प्रियंका की माँ ने भी उसे यही सीख दी होगी। लेकिन प्रियंका ने अपनी माँ की इस सीख को मानने से इनकार कर दिया, और उसने वही किया जो इस स्थिति में कोई भी इंसान अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए करेगा। लेकिन प्रियंका ने अपनी माँ की इस सीख को मानने से इनकार कर दिया। उसने दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसने वो किया जो इस स्थिति में कोई भी इंसान अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए करता, बिना इस बात की परवाह किए कि आने वाला समय उसे पश्चाताप के आंसू देगा या जीवन जीने का हौसला। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि जयंत भाटिया और उसके परिवार को दहेज मांगने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, और प्रियंका को उसका हक। That's all, my lord. पर इस बात का क्या सबूत है कि इन्होंने दहेज की मांग की थी? पुलिस के पास प्रियंका के माँ बाप के लिखित बयान है। अगर हम लोग ये साबित कर दें कि प्रियंका एक बदचलन औरत थी, तो ये केस हम जीत सकते हैं। जयंत बेटा, कॉलेज में कोई ऐसा लड़का था जो उसके करीब है, उससे उसका नाम जोड़ देते। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने अचानक से केस वापस क्यों ले लिया।